अष्टमी नवमी पर बनाए जाने वाला आज हम बनाने वाले बिल्कुल हलवाई जैसे सीक्रेट तरीके से दानेदार और रसीला सूजी का हलवा। जब हम सूजी का हलवा घर पे बनाते तो इसका परफेक्ट प्रमाण हमें मालूम नहीं होता। बना तो लेते पर कभी ज़्यादा मीठा हो जाता है तो कभी फीका हो जाता है तो कभी एकदम सॉफ्ट भी होता नहीं, हार्ड बन जाता है। तो चलो फिर हलवाई लोग जो सीक्रेट तरीका बताया जाता है वही सीक्रेट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। और खास करके नवरात्रि स्पेशल हम बनाने वाले अष्टमी नवमी पर खास करके ये प्रसाद बनाया जाता है। उम्मीद करूँगी कि तरीका बहुत ही पसंद आएगा, सिंपल सा है बन परफेक्ट तरीका। चलो फिर बनाते झटकी पट सूजी का हलवा। यहाँ पर हम माता रानी का प्रसाद बनाने वाले जो अष्टमी और नवमी पे खास करके बनाया जाता है। तो इसका हमें परफेक्ट प्रमाण देख ले, तो इस प्रमाण से आप बनाओगे तो आपका जो हलवा एकदम रसीला और जूसीला बनेगा, गारंटी के साथ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कटोरी से मैंने सूजी ली है, आप देख सकते हो आपके घर में जो भी कटोरी होगी ना, कटोरी वही नाप सेट करना है। जिस कटोरी से हमने सूजी ली है ना, तो उसी कटोरी से नाप से हमने शक्कर लेनी है। आप देख सकते हो सूजी से नाप से ही शक्कर लेनी, कटोरी में जो लिया ना उसी नाप से शक्कर लेने और इसी नाप से हमने घी लेना है। ये तीनों प्रमाण हमें एक ही माप चाहिए, अलग अलग नाप नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे हम लोग प्रसाद बनाने वाले तो दूध में बनाने वाले, तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया, यहाँ पे दूध हमने रख लिया। अभी आपको लगा दूध कितना लेना है, अभी जो कटोरी से हमने रवा लिया था यानी कि सूजी लिया था उसका ढाई कप हमने ये लेना है, ढाई कटोरी यहाँ पे दूध लेना है। और दूध को सिर्फ हमें अच्छी तरह से उबाल लेना। अब यहाँ पे दूध अच्छी तरह से उबाल आ चुके हैं, आप देख सकते हो सिर्फ दूध को उबालना है, ज़्यादा हमें कुक ना करना है। अब यहाँ पे गैस बंद कर देते हो, करते हैं मेन प्रोसेस, इसे ढक्कन लगा के इसे छोड़ देते हैं। गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई ले लेनी है और यहाँ पे जो नाप से हमने घी लिया था वही नाप से हमने घी पूरा ही डाल देना है। देख सकते हो प्रसाद बना रहे तो बहुत ही पेशेंस करके हमें बनाना है, देख सकते हो पूरी श्रद्धा के भाव से हमें बनाना है, तभी प्रसाद बहुत ही अच्छा बनता है। घी को अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं, घी गर्म हो चुका है, अभी यहाँ पे सूजी ले लेते हैं, सूजी को इसके अंदर हमें डाल देना है। अब जब सूजी हम लोग चलाते हैं तो इस स्टेज में हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी करनी है और धीमे आंच पे सूजी को अच्छी तरह से घी के साथ भूनते जाएंगे। यदि आप इसमें गैस की फ्लेम फास्ट करोगे तो फिर सूजी जल्द से जल्द को जल भी जाएगी और कुक भी हो जाए, फिर जैसे प्रसाद का जो टेस्ट हो ना वैसे आएगा नहीं। प्रसाद बोले तो श्रद्धा भाव से ही करना है, तभी प्रसाद का जो टेस्ट एक नंबर आता है। तो धीमी आंच पे हमें क्या करना है, सूजी को चलाते जाएंगे और अच्छी तरह से कुक करेंगे, और जब तक कि इसे कुक करेंगे जब तक कि घी रिलीज ना हो जाए। घी अच्छी तरह से निकल आता है तो समझ में आता है कि सूजी परफेक्ट कुक हो गई है और हल्की फुल्की बननी चाहिए। मैं आपको आगे आगे बताती जाऊँगी। दोस्तों जो पहली बार भी ये रवा सूजी का हलवा बनाएगा ना उनका भी एकदम परफेक्ट बनाएगा, छोटी छोटी टिप्स से बताती जाओगी, आप फॉलो करो फिर आपका भी जो हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसे अच्छी तरह से धीमे आंच पे हम चला लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो दो या तीन मिनट हो चुका है, अभी सूजी हल्की हल्की फूल रही है, आप देख सकते हो कितनी झाग आ रही है। इसे समझ में आ रही है कि सूजी हमारी परफेक्ट कुक हो रही है, कच्चापन थोड़ा भी नीचे, और इसे अच्छी तरह से चलाते रहिए जब तक कि चलाएगी, जब तक कि सूजी का कलर थोड़ा हल्का चेंज ना हो जाए। अभी ये सफ़ेद दिख रहा है ना, हल्का गोल्डन होना चाहिए तभी समझ में आएगी कि हमारी सूजी परफेक्ट कुक हो गई है। और धीमी आंच पे ही करना है दोस्तों, गैस की फ्लेम फास्ट ना करें इस बात का ध्यान देना है। अब आप हमें बोलेंगे आपने गीता जी कौन सी सूजी ली, यहाँ पे आप कौन सी भी सूजी ले सकते हो, मोटी वाली भी ले सकते हो बारीक वाली भी ले सकते हो, तो मेरे घर में थोड़ी बारीक वाली थी इसलिए यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली। आपके घर में जो होगा वो आप सूजी ले सकते हो, खाली पेशेंस रखना है कि सूजी को अच्छी तरह से घी के साथ हमें भूनना है। आप कैसा भी भूनोगे फिर हमारा जो हलवा है ना बराबर बनेगा नहीं, प्रसाद बना रहे तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। तो धीमी आंच पे इसे सूजी को चलाते रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो पहले कितनी झाग थी, अभी झाग कम हो चुकी है और पहले से रवा देखो कैसा हो गया, सूजी एकदम हल्की सी चेंज हो गई, तो इसका कलर हल्का सा गोल्डन हो गया, पहले से बहुत ही ठीक हो गया है हमारा। ये इस तरीके से होना चाहिए, तो इसे समझ में आता है कि सूजी हमारी जैसी चाहिए वैसी ये कुक हो गई है, सूजी में कच्चापन थोड़ा भी नहीं और बबल्स भी कम हो गई, ये इसकी निशानी होती है। इससे करोगे ना तो एकदम परफेक्ट हमारा ये हलवा बनेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट डाल देते हो, अभी थोड़ा घी है ना इसके अंदर इसलिए, तो यहाँ पे थोड़े से मैंने काजू और थोड़े पीले ये ले लेते मनुका, इसके साथ ही हमें डाल देना है, फूल जाता है ना। अब यहाँ पे जो दूध हमने गर्म करके रखा था और गैस की फ्लेम धीमी करे फास्ट ना करे इस बात का आपने ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं दूध ले लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो संभाल के डाले और इसे एक जगह चलाते रहना है और दूध डालते देना है। बहुत ही बढ़िया हमारा ये रसीला और जूसीला हलवा बनकर तैयार हो जाता है। एक बार आप मेरे तरीके से बनाकर देखो, सही में माता रानी खुश हो जाएगी, एक नंबर बनता है। वो प्रसाद बोले तो प्रसाद का जो सिरा होता है ना एक ही नंबर बनता है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डाले, थोड़ा थोड़ा करके, आप ज़्यादा डाल दोगे तो कढ़े के ऊपर दूध ये आ जाएगा, फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना। अभी यहाँ पे पूरा मैं दूध डाल देती हूँ, एकदम
इसका परफेक्ट प्रमाण ही है दोस्तों। अभी इसे चला लेते हैं। गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी करें, फास्ट ना करें, इस बात का ध्यान दें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दूध परफेक्ट हो चुका है। अभी आपको ये ऐसे लग रहा है थोड़ा हल्का गीला गीला, पर इसे और अच्छी तरह से कुक करेंगे, जब तक कुक करेंगे जब तक कि घी रिलीज ना हो जाए। अभी अच्छी तरह से हो गया। अभी यहाँ पे हमें इस स्टेज पे हमें क्या करना है, शक्कर डालनी है। पूरा दूध ड्राई होने के बाद ही हमें शक्कर डालनी है, और इसी के साथ ही हम डाल देते हैं इलायची पाउडर आधा चम्मच। अब यहाँ पे होगा मेरा सीक्रेट तरीका, जिससे हमारा जो हलवा एक नंबर लगेगा। तो 2 चम्मच यहाँ पे हमने घर की मलाई डालनी है, एकदम जो घर में मलाई होती है ना, वो लास्ट में हमें डालनी है दोस्तों। इसका जो स्वाद ना एक नंबर लगता है। एक बार आप मेरे तरीके से फिर बनाकर देखो, भी मुझे बताना कि सही में आपको ये हलवा कैसे लगा। छोटी सी कटोरी तक सूजी हमारे कितनी फूल चुकी है देख सकते हो, एकदम बढ़िया सी। अब इसे धीमे आंच पे अच्छी तरह से चला लेते हैं, जो भी सामग्री हमने डाली थी वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने 2 या 3 मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था। आप किनारे किनारे में देख सकते हो बबल्स आ रही है। इससे समझ में आता है कि हमारा जो सूजी का हलवा परफेक्ट कुक हो गया और घी भी रिलीज हो गया। इस तरीके से घी निकल आता है ना दोस्तों, मैं आपको लेके बता रही हूँ, देख सकते हो इस तरीके से। तो समझ में आता है एकदम परफेक्ट ये कुक हो गया। इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बोला कि जब हम हलवा बनाते तो रसीला भी होना चाहिए और खाने में जूसीला भी होना चाहिए, तभी मज़ा आती है हलवा खाने में। मैं आपको लेके, दिखने में तो ऐसे लगेगा ही नहीं, पर जब रखोगे ना तो ओ एक नंबर। आप एक बार बनाओगे और किसी को भी खिलाओगे ना तो आपकी सही में तारीफ किए बिना कोई जाएगा नहीं। आपको सही में रेसिपी पूछेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो एकदम ईजी मैथड है, वो एकदम आसान सा नाप है, परफेक्ट रिजल्ट आपके सामने। गैस बंद कर देती हूँ, सर्विसिंग बॉल में सर्व कर लेते हैं। तो बनकर तैयार हो गया हमारा माता रानी का प्रसाद। रिजल्ट आपके सामने, आप देख सकते हो कितना रसीला और जूसीला। यहाँ पे हमने तुलसी के पान के साथ सर्व किया, क्योंकि जो भी हम भगवान को भोग लगाते तो तुलसी के पान से ही लगाते, जिससे कि हमारा जो प्रसाद एकदम शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेके बता देती हूँ, आप देख सकते हो दानेदार भी है और एकदम रसीला है भी है। रिजल्ट आपके सामने, देखते मुँह में पानी आ गया ना, तो फिर बनाए अष्टमी नवमी पर एकदम सूजी का हलवा। उम्मीद करूँगी कि आपको हमारी आसान सा तरीका पसंद आया ही होगा। आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।